नमस्कार। आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं कक्षा 11वीं भूगोल का है अध्याय 4। जी हाँ, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह हम बोल सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें हम देखेंगे महाद्वीपीय, वो जो महासागरों का जो वितरण है, उसकी जो उत्पत्ति है, इसी के संदर्भ में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, 96 में जो डच जो मानचित्रकार थे अब्राहम ऑस्ट्रेलिस, इन्होंने पहली बार कल्पना की थी कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, उसके बाद जो महासागर और महाद्वीप का जो वितरण है, उसके संदर्भ में कल्पना प्रस्तुत की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, उसकी जो वायु है, तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले या 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो हमारी जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसके संदर्भ हमने पहले पढ़ चुका है, मगर बताना चाहें संक्षिप्त में कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पूरी तरह से एक आग का गोला था, हीलियम हाइड्रोजन था इसमें भरपूर मात्रा में। फिर ऐसा होता है कि वर्षा के रूप में लगातार वर्षा होता रहता है उस पृथ्वी में, और पृथ्वी परिणाम स्वरूप देखा है जो गहरा वाला भाग होता है वह भाग हो जाता है महासागर का रूप, जो उच्च भाग रहता है वह महाद्वीप कहलाता है, है ना। तो हम देख सकते हैं कि महाद्वीप वह स्थल भाग होता है जो चारों तरफ से इस महासागर से घिरा हुआ होता है, और जो महासागर होता है वह गहरा भाग होता है जहाँ पर जल का भंडार होता है। तो हम देखें तो इस संदर्भ में जितने भी मानचित्र का जो उल्लेख किया गया, वो सिर्फ स्थल रूपों का ही वितरण को बताया जाता था, मगर जब देखा गया कि 1595 में अब्राहम ऑस्ट्रेलिस के द्वारा कल्पना किया गया, ये जो डच वैज्ञानिक थे, ये कल्पना किए कि मानचित्र ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसमें स्थल भाग हो और जल भाग भी हो। महासागरीय जीव जंतु हैं, ये महासागर में भी है। स्थल भाग भी देखें कि बहुत सारे आपके जो मनुष्य हैं, स्थल भाग सभी इस तरह से इन्होंने देखा। एंटोनियो पेलगिरिनी ने क्या किया, सबसे पहले इस मानचित्र की रचना की, जिसमें उल्लेख किया गया स्थल भाग और जल भाग को। हम देख सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर को उल्लेखित किया। टॉपिक है तो उसमें हम देखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह। तो महाद्वीपी जो प्रवाह सिद्धांत है किसने दिया था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जो महाद्वीप या महासागर की जो वितरण है, इससे संबंधित बहुत सारी थ्योरी हैं। लेपवर्थ का थ्योरी है, है ना, केपलेक का थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे चतुर्थफलकीय सिद्धांत है, मगर ये जो सिलेबस में नहीं है कक्षा 11वीं भूगोल में। हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवाह सिद्धांत क्या है, या बोल सकते हैं महाद्वीपीय प्रवाह विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो विग्नर का ही आता है, विग्नर सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत। देखें कि जो अल्फ्रेड वेगनर जो थे, वह जलवायु वेत्ता थे। जी हाँ, ये जलवायु वेत्ता थे, भूगोल वेत्ता नहीं थे, ये भूगर्भ शास्त्र एवं जलवायु वेत्ता थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने जर्मन भाषा में, है ना, जर्मन भाषा में 1912 में प्रकाशित किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। बाद में देखा गया कि 15 और 20 में भी प्रकाशित किया गया, मगर प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर देखें कि 1924 में अंग्रेजी संस्करण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को उन्होंने व्याख्या सहित प्रकाशित किया। तो 1924 का सन याद रखिएगा, 1924 में उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नया आयाम दिया। मत देखा गया कि इसके पहले जितने भी भूगोल वेत्ता थे, इस संदर्भ में किसी ने भी सिद्धांत उल्लेखित नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, मगर वेगनर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, वाकई हुआ पूरे संसार में या विश्व में काफ़ी तहलका मचा दिया, क्योंकि इनका जो मानना था कि हमारा जो पृथ्वी का जो स्वरूप है, पहले एक स्थल रूप में ही था, हमारा जो पृथ्वी था वह पेंजिया के रूप में था, मतलब पृथ्वी का जो स्थल भाग जो था वह पेंजिया कहलाता था, और जो उसके चारों ओर जो जल वाला भाग है वह पेंथालसा कहलाता था। तो पेंजिया और पेंथालसा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत एक शब्द है, है ना, जो वेगनर ने दिया था। वो प्रश्न ही से पूछे जाते हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के, कि पेंजिया या पेंथालसा क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, कब प्रस्तुत किया, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अधिक दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करें, 7 या 8 या 6 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में मैं यहाँ पर उल्लेखित किया हूँ कि जो अल्फ्रेड वेगनर हैं,
1924 में है ना अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित किया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। यहाँ पर हमने देख रहे हैं, हम देखिए आखिर उनके बीच एक प्रमाण था, उनका ये मानना था कि सभी जो महाद्वीप हैं आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं सभी महाद्वीप, जैसा कि आप देख भी रहे हैं डिस्प्ले में। यहाँ पर दिख भी रहा है कि जो सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे पेंजिया के रूप में, है ना, जिसको पेंजिया कहा वेगनर ने। फिर देखा गया कि जो हम वेगनर ने ये भी बताया कि मूल जलवायु वाले स्थानों में है ना से खिसक कर ये विस्थापित होकर ये अन्यंत्र चले गए, है ना। यहाँ पर देखा गया कि जो ये पेंजिया था एक स्थल भाग में था, ये अपने मूल स्वरूप में थे यहाँ पर, मगर यह किसी कारणवश खिसक कर अन्यत्र चले गए, मगर उनकी जो उपयोगिता उनका जो गुण है जो भौतिक गुण है वह वही का वही है। हालांकि जलवायु में जो परिवर्तन तो हुआ, मगर जो भौतिक लक्षण है जैसे कि देख सकते हैं कि जो वनस्पति के जो जीवाश्म है, जीव जंतु के जो जीवाश्म है, चट्टान है, वह सेम है। अभी भी उन्होंने प्रमाण के रूप में यह प्रस्तुत किया जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनका यही मानना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने माना कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, बाद में जो महासागर बने, है ना, तब देखा गया कि एक पेंजिया के रूप में स्थल भागों का एक समुच्चय था, समुच्चय सभी स्थल भाग एक ही रूप में था पेंजिया के रूप में, उसके चारों ओर क्या था जल वाला भाग था, है ना, जिसको इन्होंने पेंथालसा कहा, है ना। और जो स्थल वाला समुच्चय भाग था, सभी स्थल आपस में गुथे हुए थे, या पेंजिया कहा गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके दो शक्ति के कारण इनका जो खिसका होता है वही उत्तर की ओर खिसक जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका उत्तर की ओर खिसकता है ना, एवं पश्चिम की ओर भी खिसकता है उत्तरी अमेरिका। मगर देखें कि दक्षिण की ओर खिसकने वाला जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है ना, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, तो ये कुछ जो हैं उनका खिसकाव होता गया जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनका मानना था कि सभी आपस में जुड़े थे, उनका खिसकाव होता है, और ये बताया गया कि मूल जलवायु वाले स्थानों से खिसक कर या विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में ये पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया जो वर्तमान स्थिति में है। इन्होंने वेगनर ने ये भी देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है ना, दक्षिण अफ्रीका का जब हम उत्खनन किया गया वहाँ के इस धरातल का, तो उस क्षेत्र में देखा गया कि हिमानी से निर्मित जो निक्षेपण हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, या हिमानी से जो बने हुए चट्टान हमें मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, जबकि दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है वह हम देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय का क्षेत्र आता है ना, जहाँ पर तापमान अधिक रहता है ना। हम देखें मगर वहाँ पर हिमानी का साक्ष्य मिलना एक प्रमाण के रूप में कह सकते हैं, है ना। और देखें दूसरा हम देखें कि जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहा होगा, वहाँ पर जो कोयले मिल रहे हैं, जैसे राइन नदी घाटी में हम देखें वहाँ पर कोयले के साक्ष्य मिलते हैं, कोयले मिलते हैं। यहाँ पर देखें हम मध्य एशिया की बात करें या तो मध्य यूरोप की बात करें, है ना, या उत्तरी यूरोप पूर्वी यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर अभी भी साक्ष्य मिलते हैं कोयले का। आखिर वो तो पूरी तरह से सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले के साक्ष्य मिलना क्या उचित है, है ना। बहुत सारे प्रमाण हैं जो जलवायु वेत्ता वेगनर ने दिया, प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो यूरोपीय क्षेत्र या मध्य एशियाई क्षेत्र है वहाँ पर कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर जब उत्खनन किया गया कोयला मिला गया, कोयला जो वृक्ष की बात करें तो वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वनस्पति आते हैं, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेगनर ने ये बताया कि दक्षिण अफ्रीका कि जस्ट क्षेत्र से ही क्या गुजरता था, ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब जो हम देख सकते हैं हमारा जो ग्लोब है उसमें हम देख सकते हैं विषुवत रेखा हमारे जो ग्लोब को दो भागों में विभक्त करती है, उत्तरार्ध मतलब बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कौन विभक्त करती है, विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, जीरो अक्षांश भी कह सकते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा जो है वह उत्तरी यूरोप की बात करें तो उत्तरी यूरोप से गुजरा करता था, या जो अभी वर्तमान में यूरोप है या जो मध्य एशिया है वहाँ से गुजरा करता था, है ना, मतलब बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र था वह यूरोप था, है ना। मगर जब बात करें दक्षिण अफ्रीका का, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो नेटाल प्रांत है, वर्तमान में जो बोल सकते हैं नेटाल प्रांत, यहाँ से ध्रुवीय जो वृत्त है यहाँ से गुजरती रही होगी, ये जलवायु वेत्ता वेगनर का मानना है ना। तो इस क्षेत्र में हिमानी
रहे होंगे। और जो विषुवत रेखा क्षेत्र था वहाँ पर जो उष्ण कटिबंधी जो वनस्पति सदाबहार वनस्पति उगे रहे होंगे। तो ये साक्षी के रूप में विज्ञान ने प्रस्तुत किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये वर्तमान स्थिति को बताया है। मगर अब मैं देखूँ, अगर मैसोजोइक कल्प की बात करूँ, मैसोजोइक कल्प जो है उस समय पेंजिया अस्तित्व में था। मैसोजोइक कल्प देखिए, बात करेंगे ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये पृथ्वी है और इसका जो स्थल भाग है पेंजिया के रूप में एक समुच्चय के रूप में स्थित है, है ना। तो ये मैसोजोइक कल्प में पेंजिया अस्तित्व में था। मैसोजोइक कल्प के तीन युग होते हैं, है ना, हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, महाकल्प और युग, है ना। तो इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश नहीं करते हम, देखते हैं कि ये जो ट्रियासिक हो गया, जुरैसिक हो गया और क्रिटेशियस हो गया, ये तीन युगों में विभक्त है मैसोजोइक कल्प में। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे कि किस युग में पेंजिया का विखंडन होता है, उसको पढ़ेंगे। मगर उसके पहले हम देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ने की बात कर लें, पेंजिया की बात कर लें। तो पेंजिया के रूप में हम देखते हैं, यह जो स्थल भाग है पेंजिया है, जो आपको वाइट रंग से दिख रहा है, और जो ब्लू वाला है, है ना, ये महासागर है पेंथालसा है। हम देखें इसके तीन भाग हो सकते हैं। लारेंसिया के अंतर्गत जो उत्तरी अमेरिका आता है, जो ग्रीनलैंड आता है, ये लारेंसिया के अंतर्गत आता है, है ना। लारेंसिया का जो भाग है उसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका आता है। हम बात करें अंगारालैंड का, बात करें तो अंगारालैंड के अंतर्गत देखें कि यूरोप का भाग हो गया, है ना, यूरोप का भाग हो गया और कुछ ग्रीनलैंड का भी भाग हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अंगारालैंड के अंतर्गत ये जो पूरा समुच्चय यूरोप का जो भाग है, इसके अंतर्गत ग्रीनलैंड भी समाहित है, ये भी सब आएगा अंगारालैंड में। और लारेंसिया में सिर्फ का सब उत्तरी अमेरिका भी आता है, कुछ आंशिक रूप से ग्रीनलैंड का भाग आता है, मगर हम बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका पूर्णता, है ना, वो किस में था, लारेंसिया भाग में था। मगर हम बात करें अंगारालैंड की, बात करें तो ग्रीनलैंड और यूरोप अंगारालैंड में था। हम देखें गोंडवानालैंड में सबसे अधिक महाद्वीप थे। हम देख सकते हैं इसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, गोंडवानालैंड में कौन कौन से क्षेत्र थे, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में, है ना, संकेंद्रण था गोंडवानालैंड का। तो गोंडवानालैंड का जो संकेंद्रण था इन क्षेत्रों में था, है ना, और देखा गया है कि जो विषुवत रेखा था वह कहाँ से गुजरता था, यूरोप से गुजरता था, है ना, उत्तरी यूरोप से गुजरता था। और दक्षिण ध्रुव जो था वह अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका देश है वहाँ पर जो नेटाल प्रांत है वहाँ से गुजरा करता था, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा आपको पेंथालसा या पेंजिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो स्थल भाग है, जो महाद्वीपों का समुच्चय है, ये क्या कहलाया, पेंजिया, और पेंथालसा क्या कहलाया, जो जली भाग। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि हम देखें जब महासागर, कुछ नाम बड़े लग रहे हैं, महाद्वीप छोटा लग रहा है नाम, तो महासागर जो बड़ा नाम है वह पेंथालसा कहलाता था, है ना, वो महाद्वीप जो है वह पेंजिया कहलाता था। तो इस प्रकार से हम देखें ये किस युग में था, मैसोजोइक कल्प में या पेंजिया अस्तित्व में था। मगर देखा जाए कार्बोनिफेरस युग में, हम बोल सकते हैं क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग के बाद कार्बोनिफेरस युग में भी आ गया। कार्बोनिफेरस युग में जो वर्तमान स्थिति है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस काल में अवस्थित हो चुका था। मगर जब बात करें क्रिटेशियस युग में इसका स्थानांतरण होना शुरू हो गया था, पेंजिया के विखंडन होना शुरू हो गया, इसका खिसकाव होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखें दो रूप में खिसकाव होता है। आखिर ये कैसा रबड़ था क्या कि खिसक रहा था? ऐसा है कि हमारा जो पृथ्वी है, है ना, हम गेंद के गोले के समान देख लें उसको, उसका जो परत है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों में, सियाल सीमा निफे, जो सियाल है, यहाँ पर आते हैं सियाल सीमा और निफे, ये जो परतें हैं, हम देखते हैं कि जो सियाल का जो परत है यह स्थल रूप में है, इसके ऊपर भूपट्टी आती है, मगर देखें कि ये कठोर भाग होता है। हम देखें कि इसका जो वेगनर के अनुसार बोला गया है कि इसका घनत्व तो अपेक्षाकृत कम होगा, इस कारण वह सीमा के ऊपर, है ना, सियाल सबसे ऊपर, फिर सियाल सीमा, तो सीमा के ऊपर समझ लीजिए सियाल है, ये जो परत है, मतलब ये जो हाथ है सियाल है, और ये सीमा है। सीमा अपेक्षाकृत क्या है, तरल अवस्था में, मगर ये क्या है, कठोर अवस्था में, है ना,
तो वेगनर ने बोला कि इसका जो घनत्व तो अपेक्षाकृत कम होता है, इस कारण वह सीमा के ऊपर तैरता रहता है। इस कारण क्या होगा, इसका जो खिसकाव है वह किसकी ओर होता है ना। दो कारण है, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण दक्षिण की ओर हो गया है ना, या प्लवनशीलता के कारण उत्तर की ओर हो गया है ना। और दूसरा जो खिसकाव बताया गया है कि ज्वारी बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा की ज्वारी बल के कारण इसका जो खिसकाव है पश्चिम की ओर हो गया। आखिर ये पश्चिम की ओर क्यों हुआ, क्योंकि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो हमारी पृथ्वी घूमती है तो इस जो रफ्तार में महाद्वीप पीछे छूट जाता है ना। तो ये जो ज्वारी बल के कारण इनका जो खिसकाव पश्चिम की ओर हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत जो खिसकाव की बात करें, वेगनर ने कहा कि दो खिसकाव हुए हैं है ना, दो प्रवाह हुए हैं। पहला प्रवाह क्या है, पहला प्रवाह दक्षिण की ओर होता है ना। तो दक्षिण की ओर क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, जो हम बात करें ये अफ्रीका महाद्वीप बात करें, जो भारत है, इनका जो खिसकाव है वह दक्षिण की ओर होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और प्लवनशीलता के कारण यूरोप का खिसकाव उत्तर की ओर होता है। मगर दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि जो ज्वारी बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण इनका जो खिसकाव है जो पश्चिम की ओर होता है, उसमें है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और जो ग्रीनलैंड है, इनका जो खिसकाव है वह पश्चिम की ओर होता है। तो इस प्रकार से महाद्वीप का प्रवाह होता है, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होते हैं। उसकी जो वजह है, दो वजह है, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक ज्वारीय बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण कारण सभी जो महाद्वीप है, चाहे अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत है, दक्षिण की ओर किसके, और पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का हुआ। तो वेगनर ने इसी को प्रवाह के अंतर्गत माना गया है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको दोनों फैक्ट को याद रखिएगा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण दक्षिण की ओर और ज्वारी बल के कारण पश्चिम की ओर। क्यों ज्वारी बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वारी बल की ओर। क्यों दक्षिण की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कारण दक्षिण की ओर। अब बताया गया है कि प्रवाह आखिर क्यों हुआ, क्योंकि भाई प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि जो सियाल है ना, वो कठोर अवस्था में है और सीमा तरल अवस्था में। सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरती है, जिस प्रकार से एक नाव समुद्र में तैरती है ना, उसी प्रकार से जो सियाल है और सीमा के ऊपर तैरती है, परिणाम स्वरूप इसका खिसकाव होता है ना। और महाद्वीप जो है उनका विस्तार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इसी को महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझा कि महाद्वीपीय प्रवाह के संदर्भ में अल्फ्रेड वेगनर जो है जर्मन विद्वान है, ये जलवायुवेत्ता है। इन्होंने कब प्रस्तुत किया, लिखा है यहाँ पर 1912 में, अंग्रेजी संस्करण में कब किया 1924 में है ना। इस बीच काफ़ी गैप क्यों हुआ 1912 1924 के बीच, क्योंकि बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस कारण इनका जो सिद्धांत को उतना पॉपुलरिटी नहीं मिली है ना। और इन्होंने बताया कि पहले हमारा जो पृथ्वी है एक केंद्र के रूप में था, जिसको पेंजिया कहा, जो स्थल भाग था है ना। दूसरा में इन्होंने बताया कौन लारेंसिया में आते हैं, कौन अंगारालैंड में आते हैं, कौन गुरुआलैंड में आते हैं, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती थी, और बताया गया है कि दक्षिण ध्रुव कहाँ गुजरती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या किया है ना। अब व्याख्या किया, अपना व्याख्या सिद्धांत तो बता दिया, मगर इस संदर्भ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको पढ़ेंगे कि क्या ये सही था। प्रवाह सिद्धांत को हम तो मान लेते हैं, मगर इसके प्रति कुछ सबूत तो देना पड़ेगा विग्नर को। तो सबूत के रूप में देखते हैं क्या देते हैं, मतलब साक्ष्य के रूप में इन्होंने दिया कि रेडियोमीटर डेटिंग जो है, रेडियोमीटर डेटिंग के अंतर्गत हम काल निर्धारण कर लेते हैं चट्टानों का है ना। तो चट्टानों का जो हम बात करें, महासागरीय या महाद्वीपीय जो चट्टानों के निर्माण का जो काल का निर्धारण हम कर लेते हैं, और ये सभी जो काल का निर्धारण जो है क्रिटेशियस युग में, या हम बोल सकते हैं कि मेसोजोइक कल्प में माना गया काल का निर्धारण, जो हम देखें कि एक स्थान दूसरे स्थान, यहाँ पर भी वही चट्टान है और दूर काफ़ी करोड़ किलोमीटर दूरी में भी, चाहे काफ़ी किलोमीटर दूरी में भी वही चट्टान है। आखिर ऐसी समानता क्यों मिलती है ना, क्यों मिली है
ऐसे समानता, तो इन्होंने माना कि खिसका हुआ होगा प्रवाह के अंतर्गत। तो देखा गया है कि हम देखें कि जिग जैक होता है ना, जिग जैक देख सकते हैं कि अगर आप अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को सोचें, पजल खेलते हैं बच्चे लोग, है ना, आप भी खेलते होंगे, है ना। तो पजल में हम लोग देखते हैं कि भाई पजल अगर ये जो हाफ सर्कल है ना, इसको मैं फुल करना चाहूँ तो बकायदा ये लाऊंगा और इसको मैं गोल कर दूंगा तो गोल बन जाता है। तो ऐसी पजल में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर दक्षिण अमेरिका को रखूँ और यहाँ पर अफ्रीका को रखूँ, दोनों को मैं कनेक्ट करूँ तो बकायदा उस खांचे में बैठ जाता है। तो जिग जैक भी देखें, अफ्रीका का जो जिग जैक है और दक्षिण अमेरिका का जो जिग जैक है, दोनों को मिलाएं तो मिल जाता है। चाहे मेडागास्कर की बात करें या जो भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, भी मिल जाता है, है ना। चाहे हडसन की जो खाड़ी है उत्तरी अमेरिका का और यूरोप का, उसको भी हम मिलाने की कोशिश करें, वो भी जिग जैक मतलब मिल जाता है, है ना। ऑस्ट्रेलिया को देखें हम लोग, वो भी, है ना, वो भी इसको पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो पहला हम देख सकते हैं कि रेडियो मीट्रिक जो काल निर्धारण है उससे हम देखते हैं कि जो चट्टान का काल निर्धारण सही माना गया समानता के रूप में देखें। दूसरा जिग जैक का देखें। तीसरा हम देखें टीलाइट। टीलाइट क्या है? जो हिमानी के द्वारा जो निक्षेपित चट्टान होता है उसको टीलाइट कहते हैं। ये जो है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वर्तमान में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर कभी ना कभी हिमानी के अवशेष मिले, है ना। और जहाँ पर जो पूरी तरह शीतकालीन क्षेत्र, चाहे अंटार्कटिका की बात करें चाहे उत्तरी यूरोप की बात करें, वहाँ पर कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से टीलाइट से संबंधित हम चट्टान को देखें तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये अफ्रीका में मिलते हैं या फिनलैंड में मिलते हैं, है ना, या आप बोल सकते हैं फॉकलैंड में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर डिकोड भी किया है कि अफ्रीका में मिलते हैं, है ना, यहाँ पर फॉकलैंड है, यहाँ पर मेडागास्कर है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। इन क्षेत्रों में टीलाइट मतलब हिमानी से निर्मित निक्षेप हमें प्राप्त हुए हैं, जो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो गुरवाना लैंड थे आपस में गुथे हुए थे, आपस में सटे हुए थे, है ना। दूसरा देखें प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप काफ़ी बहुमूल्य चट्टानें यहाँ मिलती हैं और प्लेसर निक्षेप में ही सोना पाया जाता है। हम देखें जब सोने की बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप का जो घाना क्षेत्र है वहाँ पर भी सोना मिलेगा। वहाँ का जो हम देखें घाना क्षेत्र का जो चट्टान है समानता सेम है, है ना, प्लेसर निक्षेप है वहाँ पर। अब बात करें जस्ट नीचे मतलब दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो ब्राज़ील है वहाँ भी प्लेसर निक्षेप मिलता है, मगर और कहीं नहीं मिलेगा, एक घाना में मिलेगा और एक ब्राज़ील में मिलेगा। तो अब हम दोनों को अगर मिलाना कोशिश करें तो मिल तो जाते हैं, मगर भौतिक रूप से हम देखें चट्टानों की विशेषता के अंतर्गत तो जो घाना है और जो ब्राज़ील है वहाँ पर दोनों जगह क्या मिलते हैं? प्लेसर निक्षेप। तो ये बात का सबूत इकट्ठा करते हैं कि दोनों कभी ना कभी मेसोजोइक कल्प में एक रहे होंगे, है ना। दोनों अलग हो गए मगर चट्टान सेम है, अभी भी प्लेसर निक्षेप है वहाँ पर, है ना। अगला देखें जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का वितरण को हम देखें, लेमुर जो है, लेमुर की बात करें तो ये अफ्रीका क्षेत्र मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, मेडागास्कर में और भारत में पाए जाते हैं लेमुर। इस क्षेत्र को लेमुरिया कहा गया है। लेमुरिया का जो क्षेत्र है मेडागास्कर अफ्रीका और भारत का, है ना। ये बताया गया है कि इन क्षेत्रों में कभी पेंजिया के रूप में ये तो आपस में सटे थे, तो इस क्षेत्र में किस जीव जंतु का विकास हुआ? लेमुर का। और जिसके जो जीवाश्म हैं अभी भी हमको मेडागास्कर में मिलते हैं, दक्षिण प्रायद्वीप में मिलते हैं और अफ्रीका में मिलते हैं, है ना, ये कहीं और नहीं मिलेंगे, इन तीनों क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ये भी इस बात का सबूत है। इसके अलावा देखिए मेसोसारस जो है, मेसोसारस का जो सबूत बोले साक्ष्य बोलें, मेसोसारस जो है ना, ये जीव है जो रेंगने वाले जीव है मेसोसारस, इनका जो साक्ष्य है वह बात कर सकते हैं जो दक्षिण अमेरिका है उसका दक्षिणी क्षेत्र और अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्र में मिलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है कि ये दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र में दोनों जगह हम मेसोसारस का जो जीवाश्म पाया गया है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जीवों का जो वितरण है, जीवाश्मों का जो वितरण है, यह हमें सबूत के रूप में दिखाई देता है। जब हम उत्खनन करते हैं तो उस क्षेत्र में चट्टानों की समानता भी होती है, साथ साथ वनस्पति की समानता भी होती है और जीवाश्म की समानता भी होती है, है ना। हम देखें कि तो ये
और देखें, अगर हम बात करें एस आकार का, एस आकार का कौन सा महासागर है, तो अंध महासागर है। एस आकार में है बिल्कुल, जी हाँ, एस आकार का जो महासागर है अंध महासागर है। अंध महासागर का दोनों जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में जो पर्वत है उसको बोला जाए केलोडोनियन और हर्सिनियन। जो केलोडोनियन और हर्सिनियन जो पर्वत हैं दोनों किनारों में, या अगर हम दोनों को जोड़ दें काल्पनिक रूप से, या हम दोनों की चट्टानों का निरीक्षण करें, तो दोनों का जो चट्टान का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों की चट्टानों का जो जो मूल तत्व है सेम है ना। हम बात कर लेते हैं जो अंध महासागर के दोनों तटों के किनारों की बात करें, तो वहाँ पर केलोडोनियन और हर्सिनियन जो पर्वत हैं, उन पर्वतों की जो चट्टाने हैं उन दोनों में समानता देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्रमाण के रूप में है चट्टान, है ना। तो ये हम देख सकते हैं जो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है वह सत्यता की बात करता है, सत्यता के काफ़ी समीप है कि वास्तव में ये सर्वमान्य सिद्धांत भी है, क्योंकि पहले चतुष्फलकी सिद्धांत था, लेपवर्थ का जो सिद्धांत था वो अमान्य माना गया है। सबसे मान्य सिद्धांत के रूप में देखा जाए कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ही है, है ना। तो हम देखें इस सिद्धांत की साक्ष्य या इस सिद्धांत की सत्यता की बात तो कर लिए, मगर देखें इस सिद्धांत की आलोचना भी हमको करना होगा कि क्या है इसका प्रमाण, क्या है। तो प्रमाण की बात करें कि इसकी आलोचना करें, जो प्रवाह है, जो महाद्वीपीय प्रवाह जो है वह अस्पष्ट है, है ना। बताया गया है कि वो प्लवनशीलता के कारण भी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी है, पश्चिम की ओर भी खिसक सकता है। तो ये अस्पष्ट है कि क्या दक्षिण अमेरिका दक्षिण की ओर ही खिसका कि पश्चिम की ओर खिसका, क्या भारत उत्तर की ओर खिसका कि दक्षिण की ओर खिसका, क्या उत्तरी अमेरिका वो पश्चिम की ओर ही क्यों खिसका। तो ये बहुत सारे अस्पष्टता हैं इस सिद्धांत में, जैसा कि इनके जो विपक्ष में बात करें जाए तो इन्होंने रखा कि इनका जो प्रवाह सिद्धांत है अस्पष्ट है। दूसरा बात करें, कार्बोनिफरस युग में ही महाद्वीपीय विखंडन क्यों हुआ, मतलब महाद्वीपीय प्रवाह जो है कार्बोनिफरस युग में, या बोल सकते हैं कि क्रिटेशियस युग में ही क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ, काफ़ी दिन तक क्या इसका ही वेट कर रहा था क्या, नहीं। तो ये जो विपक्ष हैं जो है ना इसके आलोचना करते हैं, वो ये मानते हैं कि क्या कार्बोनिफेरस युग में हुआ, क्या वर्तमान समय में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वापस फिर से क्यों नहीं आ रहे हैं। माना कि ये दूर हो गए, क्या ये फिर से एक पेंजिया नहीं बन सकते या और दूर नहीं जा सकते। हम देखें अगला तीसरा, ये सीमा में लचीलापन अधिक है ना कि सियाल में, या ये जो मानना है कि जो सियाल है उसमें लचीलापन अधिक है, विग्नर का मानना है ना। मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सीमा है वो तरल अवस्था में, लचीलापन उसमें अधिक होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो लचीलापन उसमें अधिक है तभी वह सियाल को भी इफेक्ट करता है। तो जो इफेक्ट है वह सीमा के कारण ही हुआ है। तो ये भी सिद्धांत को की आलोचना करता है कि भाई लचीलापन की बात करें और घनत्व की बात करें तो सियाल को अधिक मानता है। तो देखेंगे प्रवाह जो है सक्रिय है, क्या वर्तमान में भी प्रवाह का जो नियम है सक्रिय है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, है ना। उत्तरी अमेरिका अभी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित क्यों नहीं हो रहा है, वो इतना प्रवाहित होते 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 वह पूरी तरह से यूरोप में या एशिया में क्यों नहीं चिपक गया, है ना। और जापान जो है वह पूरी तरह से दूर क्यों है, है ना, चीन सागर के पास। देखें जापान वह अलग है, वह भी तो नज़दीक आ जाता, है ना, एशिया से चिपक जाता, ठीक है, हम बता सकते हैं यूरोप से चिपक जाता। तो ये इनका मानना आलोचना वालों का। अब पांचवा है, प्रवाह शक्ति ऊर्जा कमज़ोर होगी। तो ये बताया गया है कि जो विग्नर ने जो माना है प्रवाह शक्ति काफ़ी अधिक शक्तिशाली रहा होगा, तभी इतनी मात्रा में इतने चंद समय में ही, चंद समय तो नहीं बोल सकते हैं, इस काल को तो काफ़ी समय लगा, मगर हम युगों की बात करें, महाकल्प की बात करें, उसकी अपेक्षा यह कम एक ही युग में ही, एक ही कल्प में ही क्यों विखंडित हो गया, है ना। तो विग्नर का ये जवाब है कि भाई बहुत अधिक शक्तिशाली रहा होगा ऊर्जा, तभी इसका जो विस्थापन है वह तीव्रता से होता है मेसोजोइक कल्प में, है ना। मेसोजोइक कल्प के जो तीन कल्प आते हैं उसमें क्रिटेशियस कल्प आता है, उसमें ही इसका प्रवाह होता है। तो ये आलोचना है ना, जो आलोचक है वो बोलते हैं कि नहीं शक्तिशाली
ऊर्जा नहीं था, कमजोर ऊर्जा था। तो इस तरह से बहुत आलोचना है, आलोचना पर मत जाएं, मगर हमको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो सिद्धांत में जो उन्होंने बताया, बहुत विस्तार पूर्वक बताया, वो बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो यहाँ पर देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको फैक्ट चीज बताना पड़ेगा क्या इसमें लिखें, है ना। कम समय रहता है, अंक भी अधिक रहता है, और कम समय में कम लिखना है, तो क्या करना है आपको डायग्राम से ही अधिक से अधिक एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेंजिया पेंथालसा क्या है, लारेंसिया क्या है, अंगारा लैंड क्या है ना, गोरवाना लैंड क्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टेथिस सागर, टेथिस सागर जो है वह अंगारा लैंड और गोरवाना लैंड के बीच में है ना। जब पेंजिया अस्तित्व में था तो अंगारा लैंड और गोरवाना लैंड, मतलब पेंजिया जो सागर है उसके उत्तर में अंगारा लैंड थी, उसके दक्षिण में गोरवाना लैंड थी, और इसके संपीड़न से ही, मतलब जब अंगारा लैंड और गोरवाना लैंड आपस में संपीड़ित होते गए, तो जो टेथिस सागर था वहाँ जो भूसन्निति थी, या बोल सकते हैं कि जो टेथिस सागर था, उथला सागर था, उसमें क्या होते हैं, वलित पड़ जाते हैं, मतलब जो वहाँ जो पर्वत हैं, पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भूसन्निति जो है ना, वह पर्वतों का जननी स्थल है। माना जाता है कि जो भूसन्निति होता क्या है, एक उथला भाग होता है जहाँ पर आसपास की जो नदियाँ हैं गाद जमा, अवसाद जमा, निक्षेप जमा करती जाती हैं, परिणामस्वरूप क्या होता है, वो सागर उथला हो जाता है, गहराई नहीं होती उसमें, संपीड़न पड़ता है, परिणामस्वरूप क्या होता है उसमें, एक प्रकार का वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि समझ लीजिए ये जो भाग है, ये अंगारा लैंड वाला भाग है, मेरा जो हाथ है अंगारा लैंड वाला भाग है, और ये भाग जो मेरा हाथ है वह गोरवाना लैंड का भाग है, और बीच का जो भाग है किताब जो है टेथिस सागर है, ये उथला सागर है। परिणामस्वरूप क्या होता है, अंगारा लैंड और गोरवाना लैंड का संपीड़न पड़ता है, तो परिणामस्वरूप क्या होगा, ये जो भाग है वह मुड़ जाएगा ऊपर, और ये जो भाग है वह क्या है, वलित पर्वत कहलाएगा। जैसे कि वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है वह इसी की देन है, भूसन्निति की देन। तो इस प्रकार से ये जो हम देखें या आसपास के ऊंचा क्षेत्र होता है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महासागरी नितल, है ना, महासागरी जो उच्चावच है उसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।